मैं लिखूंगी तुम पढ़ो। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा तुम पढ़ो। नहीं, मैं लिखूंगी तुम पढ़ो, फिर हम सब खेलने जाएंगे। ये क्या बात हो रही है, मैं तुम क्या लगा रखा? लग रहा अपना जो पाठ है सर्वनाम ठीक से पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है ना? पढ़ के आए हो क्या? हाँ। अच्छा जल्दी से बताओ, जो तुम लोग अभी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तुम कर रहे थे ना रवि, ये बताओ ये कौन से शब्द कहलाते हैं? आप बताइए अमृत। ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल ठीक। और सर्वनाम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ। तो अब हमें बताएगा कौन के सर्वनाम किसे कहते हैं, किसको याद है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक, सही बताया ना रवि, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रियांशी अपने लिए कह रही थी मैं, और आपके लिए कह रही थी क्या कह रही थी? तुम। तो यानी आप तो संज्ञा शब्द है ना, प्रियांशी संज्ञा शब्द है, इसकी जगह मैं का इस्तेमाल कर रही थी। अब हमें ये कौन बताएगा ये सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रवि बताओ। छह प्रकार के होते हैं, और ये छह प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये कौन बताएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल ठीक, तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद हो गया है। और इसको एक बार हम फिर से देख ले, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? छह प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। इनमें से हम तीन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आगे के तीन सर्वनामों के बारे में पढ़ा जाए ना, पहले पढ़ाई करी जाए? नहीं, पहले कहानी। हाँ। तो लेकिन एक शर्त पे हम कहानी सुनाएंगे कि सबसे पहले जो मैं कहानी ध्यान से सुनना उसमें से मैं प्रश्न पूछूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर सबको देने पड़ेंगे। तैयार सब लोग? हाँ। तो ठीक है, चलो तुम्हें गांव में ले चलते हैं, गांव की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान था। किसान जानते हो रवि? किसान क्या काम करता है? क्या काम करता है? खेती बाड़ी का काम करता है। और उस किसान के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत ताकतवर और बुद्धिमान था, उसका नाम था भानु। और छोटा बेटा जो था वो बहुत ही शर्मीला था, बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, उसका नाम था राजू। और ये राजू और भानु दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन जो किसान था वो बूढ़ा हो गया था, धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। और जब बीमार रहने लगा तो एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब वो मर गया तो सारी जो जायदाद थी, यानी कि खेती बाड़ी, खेत खलिहान, घर, सबको दो दो हिस्सों में बांट दिया गया। क्यों दो हिस्सों में बांटा गया? क्योंकि किसान के कितने बेटे थे? दो। दो बेटे थे तो इसलिए दो हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन किसान के पास सिर्फ एक भैंस थी। अब समस्या क्या आ गई सामने कि उस एक भैंस को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए? क्या बांट सकते हैं अमृत? बांट सकते हैं? नहीं नहीं ना, अगर काटेंगे तो फिर तो वो मर जाएगी। तो जो बड़ा बुद्धिमान बेटा था ना, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं उसका मुंह वाला हिस्सा यानी आगे का हिस्सा अपने छोटे भाई को देता हूँ और पीछे का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। तो सारे गांव वालों ने क्या किया, खूब तारीफ की उसकी कि भाई वाह कितना अच्छा है, छोटे भाई का ख्याल रखता है, उसको तो आगे का हिस्सा दे दिया, खुद पीछे का हिस्सा लिया है। लेकिन फिर क्या हुआ, बेचारा छोटा भाई आगे भैंस को चारा खिलाता, पानी पिलाता, खाना खिलाता, और पीछे से दूध कौन निकालता था? बड़ा भाई। और पूरी बाल्टी भर दूध पी जाता। और छोटा भाई कहता हमें भी थोड़ा दूध दो, हम उसकी इतनी मेहनत करते हैं, उसको इतनी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो बोला नहीं, आगे का हिस्सा किसका है? तुम्हारा है, और पीछे का मेरा। तो वो तो बहुत चक्कर में फंस गया। सारे गांव के पुराने जो बुजुर्ग थे उनके पास जाके उसने ये समस्या बताई। तो उन्होंने उसे एक सलाह दी कि ठीक है, अब जब वो बड़ा भाई तुम्हारा जो भैंस का जो है ना वो दूध निकालने लगे तो तुम एक डंडा लेके जाना और भैंस के मुंह पे जोर से मार देना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। अगली बार उसने ऐसा ही किया, जैसे ही भैंस दूने के लिए बड़ा भाई बैठा, वो डंडा लेके उसके मुंह पे जोर से मारा और भैंस ने क्या चलाई, अपनी लात। लात, और क्या हुआ, उसका बाल्टी भी गिरा और वो बड़ा भाई भी धम से गिर पड़ा। उसने अरे अरे क्या कर रहे हो, मैं दूध कैसे निकालूंगा, कैसे दूध पीऊंगा? तो बोले अरे आगे का हिस्सा तो मेरा है,
अब मैं चाहे कुछ करूं, मैं जब खाना खिलाता हूं तो मार भी सकता हूं। तो उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई कि ये तो मार भी सकते हो। तब क्या हुआ, सब लोगों ने क्या कहा, गांव के बुजुर्ग लोग आ गए, क्या बोले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है ना, तो बड़े भाई को भी समझ में आ गया कि हाँ हमने गड़बड़ किया था, इसीलिए उसको ये काम करना पड़ा। समझ में आई ना कहानी? तो कहानी में क्या हमने लास्ट आखिरी वाक्य क्या था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी लाठी थी? छोटे भाई की। और भैंस किसकी हो गई? छोटे भाई की। क्योंकि उसी ने उसको पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है कि नहीं। तो अब हम प्रश्न पूछे। हाँ। है ना, तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस में ये जो दो शब्द हैं, जिसकी और उसकी, है ना, ये दोनों शब्द क्या है, इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। कैसे, जिसकी यानी छोटे भाई के लिए हम कह रहे हैं, है ना, और उसकी शब्द भी हम किसके लिए कह रहे हैं, छोटे भाई के लिए। यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। तो हम सर्वनाम के चौथे भेद पर आ गए, यानी जो शब्द सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। समझ में आई ना? हाँ। तो क्या परिभाषा हुई सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम की, जो शब्द किसी वाक्य में आए एक सर्वनाम शब्द से दूसरे शब्द की संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। ऐसा कोई एक उदाहरण बताइए हमें संबंधवाचक सर्वनाम का, कोई भी। जो पढ़ता है वो पास होता है। बिल्कुल ठीक, जो पढ़ता है वो पास होता है। और प्रियांशी, अमृत्य, कोई भी उदाहरण नहीं आ रहा है। अरे जो खेलता रहता है वो फेल हो जाता है, हमेशा फेल होता है ना, वो तो होता है ना, और जो प्रयत्न करता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। इस तरह के जो वाक्य बनते हैं उनमें जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा तुम्हारे हाथ में ये क्या है, ये क्या है, बुक, यानी किताब, है ना। और ये किताब शब्द क्या है, किताब शब्द क्या है, किताब तो संज्ञा शब्द होती है, है ना। और हमने हमने पूछा कि ये क्या है, तो यानी इस संज्ञा शब्द के लिए हमने क्या का इस्तेमाल किया, यानी प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न पूछा। तो जो शब्द क्या होते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, किसी भी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चलो तुम कोई उदाहरण बताओ। मम्मी आज किचन में खाना बना रही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो क्या आप कहेंगे, मम्मी आज किचन में क्या बना रही है, क्या बना रही है, और देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, कितनी, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम कल क्या स्कूल गई थी। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें रोज तो पापा स्कूल छोड़ने जाते हैं, आज तुम अपने आप स्कूल जाओगे। ठीक है, तुम अपने आप स्कूल जाओगे, इसमें अपने आप शब्द क्या कह रहा है, प्रियांशी के लिए कहा तुम अपने आप स्कूल जाओगी, तो मतलब क्या हुआ इसका, तुम खुद स्कूल जाओगी, स्वयं स्कूल जाओगी, पापा नहीं छोड़ने जाएंगे। ठीक है ना, यानी जो शब्द क्या कह रहा है, अपनेपन का बोध करा रहे हैं। कर्ता कौन हो गया, तुम स्कूल जाओगी, कर्ता कौन हुई, तुम यानी प्रियांशी। और अपने आप शब्द किस चीज के बारे में बता रहा है, तुम्हारे बारे में, यानी प्रियांशी के बारे में। ठीक है, तो जो शब्द कर्ता के अपनेपन के बारे में बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के अपनेपन को बतलाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, मैं ये काम स्वयं करूंगा, मैं स्वयं
नहाऊंगा, ठीक है? जैसे स्वयं गांधी जी अपना हर काम स्वयं करते थे, ठीक है? और प्रियांशी रोज स्वयं अपना होमवर्क करती है, ठीक है? अमृत्य खुद ही सुबह तैयार होकर स्कूल जाता है, तो ये खुद शब्द है ना, स्वयं शब्द है, अपने आप है, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक से आया ना समझ में? हाँ। बिल्कुल ठीक से। हाँ। अच्छा, तो अब हमें कौन बताएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते। बिल्कुल ठीक है, और जोर से बताओ तो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हाँ, आप सबको सुनाई पड़ा ना? हाँ। अच्छा, और इसके कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? छह भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी तीन भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर होता है क्या होता है दूसरा? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित होते हैं सब बातें। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो अब तो आपको सारे सर्वनाम आ गए, सर्वनाम के प्रकार भी आ गए और उनका प्रयोग भी आ गया। सर्वनाम के प्रकार समझ में आ गए ठीक से? तो अब अगर तुम कोई भी कहानी सुनोगे तो तुम उसमें से छांट सकते हो ना कि कौन कौन से शब्द सर्वनाम है और वो कौन से उसके किस प्रकार का प्रयोग किया गया है, छांट सकते हो ना? हाँ। तो अब हमें कल जो है ना तुम लोग क्या करके लाओगे, एक कहानी लिख के लाना या एक दूसरे को सुना के बताना, और उसमें जो जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में आते हैं उसके बारे में बताना कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द आपने प्रयोग किए और उसके प्रकार क्या थे, ठीक है ना?